तो जब मैंने मोस्ट पावरफुल वेपन्स वाली वीडियो बनाई थी तब से लेकर अब तक एमसीयू में नेक्रो स्वॉर्ड एंड रिंग्स थंडर बोल्ट जैसे वेपन्स इंट्रोड्यूस किए गए, पर ये वेपन्स टॉप 10 की रैंकिंग में कहां स्टैंड करते हैं? क्या थंडर बोल्ट स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है? क्या 10 रिंग्स म्योलनिर से ज्यादा पावरफुल है? ये सब भी क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। और हां, स्टॉर्म ब्रेकर से भी पावरफुल एक और वेपन है, जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और हां, आपके ओपिनियन में टॉप 3 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन एमसीयू कौन है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करते हैं। सो लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से। और नंबर 10 पे है हमारे पास याका एरो। याका एरो वन ऑफ द कूलेस्ट वेपन्स है पूरे एमसीयू में, जहां पहले इसे योंडू यूज किया करता था, उसके बाद ये वेपन क्रैगलिन को दिया गया। याका एरो एलियन टेक से बना है, जहां योंडू अपने सर में लगे एक मेटल पीस से इस एरो को कंट्रोल करता था और अपने माइंड से एरो की डायरेक्शन को मिड एयर में चेंज कर सकता था। और इस वेपन से हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 में योंडू को एट अ टाइम 20 से लेकर 30 एनिमीज को मारते देखा है। और इसका एडवांटेज ये भी है कि अगर आपके पास थर्मल इमेजिंग अवेलेबल हो तो तुम किसी भी जगह से इस वेपन का यूज करके अपने एनिमीज को मार सकते हो, बट इसे यूज करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। बट वंस ऑफ एक्सपर्ट बन गए तुम इसे पूरे के पूरे स्पेसशिप्स तक को हाईजैक कर सकते हो। बट देन नंबर 9 की तरफ, तो नंबर 9 पे है हमारे पास थैनोस डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये वेपन हमने थैनोस के पास एवेंजर्स एंड गेम में सबसे पहले देखा, जहां इस वेपन से वो थॉर, वर्दी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से फाइट कर रहा था। इस वेपन से थैनोस, स्टॉर्म ब्रेकर, म्योलनिर और यहां तक कि आयरन मैन के रिपल्सर्स के ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर पाया था और कैप्टन अमेरिका को हर्ट कर पाया था। थैनोस इसे हमेशा अपने बैटल्स में दोनों एज ऑफेंसिव और डिफेंस वेपन की तरह यूज करता है, जहां इस वेपन से थैनोस ने कैप्टन मार्वल के ब्लास्ट और स्कारलेट विच के एनर्जी अटैक्स तक को विदस्टैंड किया था। पर इस वेपन को स्कारलेट विच ने अपने रिपीटेड अटैक से डिस्ट्रॉय या ब्रेक किया था। अब यह वेपन किस मेटल से बना है ये अभी तक कंफर्म तो नहीं किया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वेपन भी यूरू से ही बना था, क्योंकि वाइब्रेनियम को तोड़ने वाला मेटल अभी तक अर्थ पे कोई नहीं था। बट डबल एज्ड स्वॉर्ड से थैनोस कैप के वाइब्रेनियम शील्ड को डिस्ट्रॉय कर पाया था। सो ये कहना सही रहेगा कि ये अर्थ के बाहर से किसी मेटल से बना था और मोस्ट प्रोबेबली वो यूरू ही होगा। सो नंबर 8 पे है हमारे पास मून्स को डिस्ट्रॉय करने वाला वेपन हेड्रॉन इन्फोर्सर। आप में से मे भी कुछ लोग इस वेपन के बारे में नहीं जानते होंगे, बट ये वेपन हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था, जहां इस वेपन को रॉकेट रकून ने बनाया था और इस वेपन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने रोनन पे यूज किया था जब उसके पास पावर स्टोन था। एक्चुअली हेड्रॉन इन्फोर्सर हेड्रॉन पार्टिकल्स को शूट करता है, जो कि अपने टारगेट पे लगने के बाद उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और रॉकेट ने कहा था कि ये वेपन मून्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज रखता था। इस वेपन से रोनन के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो भी तब जब उस वेपन में पावर स्टोन प्रेजेंट था। सो डेफिनेटली ये वेपन इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वेपन की तरफ, तो नंबर 7 पे है हमारे पास गंगनीर। गंगनीर ओडिन का वेपन था, जिसे वो ओडिन फोर्स को चैनल किया करता था। मे बी ये वेपन इस लिस्ट पे और भी ऊपर होता, बट हमने गंगनीर को ज्यादा यूज करते एस गार्डियंस को नहीं देखा। ओडिन इस वेपन को अपने बैटल्स में यूज करता था और बाइफ्रॉस्ट तक को ओपन कर सकता था। गंगनीर को थॉर ने भी यूज किया था रैग्नारोक में, बट बस फिजिकली, क्योंकि इसकी मैजिकल पावर सिर्फ वही बंदा यूज कर सकता था जिसके पास ओडिन फोर्स की पावर हो, और वो था ओडिन। अब कॉमिक्स में गंगनीर म्योलनिर स्टॉर्म ब्रेकर से भी ज्यादा पावरफुल वेपन है, बट एमसीयू में गंगनीर की पावर्स को अच्छे से नहीं दिखाया गया, इसलिए गंगनीर जैसा वेपन इस वेपन के लिस्ट में नंबर 7 पे है। तो अब देखो, सुपर हीरोज को तो अपने हेयर की टेंशन नहीं होती होगी, पर हम सबको है, इसलिए मैन मैटर्स लाया है हेयर गमीज, जो कि विटामिन सप्लीमेंट्स है, वो भी गमीज की फॉर्म है। इनमें विटामिन ए, सी, जिंक और बायोटिन है, जो कि आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हेयर गमीज आपके हेयर और बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करती है और हेयर को थिक बनाती है, हेयर को थिनिंग से बचाती है और साथ ही साथ बालों को टूटने और अर्ली एजिंग से भी बचाती है। एक गमी में आपको 20 अंडों के जितना बायोटिन, 20 कैशूज के जितना जिंक, हाफ कप कैरेट जितना विटामिन ए, हाफ कप ऑरेंज के जितना विटामिन सी और 20 बादाम के जितना विटामिन ई मिल जाएगा। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको हर दिन एक गमी खानी है 2-3 महीने तक। इन गमीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल सेफ टू यूज है और शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री तो है ही, और इसके साथ साथ इजी टू कंज्यूम तो है, क्योंकि गमीज खाना किसे पसंद नहीं, इसलिए अपने डेली डाइट में इन हेयर गमीज को जरूर ऐड करना हेयर लॉस से बचने के लिए, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो बात करें मैन मैटर्स की, तो मैन मैटर्स इंडिया का पहला होलिस्टिक मैन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको वेट लॉस, हेयर लॉस, सेक्सुअल एक्टिविटी, स्लीप, हाइजीन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और आप मैन मैटर्स पे डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, और दोनों हेयर गमीज और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो भी स्टार्ट करो इन हेयर गमीज का यूज करना, ताकि फिर बाद में पछताना ना पड़े। वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ, तो नंबर 6 पे है हमारे पास दूसरा एस्कार्डियन वेपन म्योलनिर। एक्चुअली स्टॉर्म ब्रेकर के आने के बाद म्योलनिर की जैसे इज्जत ही
कम हो गई थी। बट पर्सनली अगर मुझे स्टॉर्मब्रेकर और म्योलनिर में कोई एक वेपन चूज करना होगा तो मैं म्योलनिर को करूंगा। अब किसको करोगे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस वेपन की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है इसकी एन्चेंटमेंट वाला पार्ट। लाइक वर्दी बींग्स के बगैर इस वेपन को कोई भी और उठा नहीं सकता है और अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। लाइक एक थ्योरी ये भी है कि कैप्टन अमेरिका इसलिए म्योलनिर को लिफ्ट कर पाया था क्योंकि थॉर की जान खतरे में थी। म्योलनिर थॉर के एन्चेंटमेंट्स को रेस्पेक्ट करती है जहां थॉर के एन्चेंटमेंट की वजह से जेन म्योलनिर को उठा पाई थी। अब म्योलनिर की पोस्ट आप सबको पता ही होगी बट नई पोस्ट भी हमें म्योलनिर के पास देखने को मिली थॉर लव एंड थंडर में, जहां वो अपने पीसेस को सेपरेट करके लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज पे एक साथ अटैक कर सकती है। और लास्टली अब थॉर के पास म्योलनिर वापस आ गया है और थॉर स्टॉर्मब्रेकर को छोड़ के अब म्योलनिर को फिर से अपना प्राइमरी वेपन बना चुका है। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास 10 रिंग्स। ऐसे वेपन हमने शेंजी में देखा था जहां हमने इसका यूज बहुत जोर शोरों से होते देखा। पहला तो वैंगू इस वेपन का यूज करके पूरी की पूरी आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद हमने शेंजी को इसे डिवेलर ऑफ डार्कनेस को हराते देखा। चूली इन 10 रिंग्स का ओरिजिन अभी भी एम्बिगुअस है बट शेंजी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोस्ट प्रोबेबली ये कॉस्मिक ओरिजिन के है। 10 रिंग्स के पास एनर्जी को मैनिपुलेट और पावरफुल फोर्स फील्ड्स बनाने की पावर है। इसे वैंगू अपनी चीज से कंट्रोल करता था और वैंगू को ये रिंग्स किसी केव में मिली थी और रिंग्स ने उसे इमॉर्टल बना दिया था जहां वो हजार सालों तक जी पाया था विदाउट एनी एजिंग। और 10 रिंग्स की वजह से उसने अपना इतना बड़ा किंगडम और एम्पायर खड़ा किया था। डिवेलर ऑफ डार्कनेस को मारने के बाद आई थिंक 10 रिंग्स की पॉस अभी तक हमें पूरी तरह से शो नहीं की गई है। एंड लेट्स होप शेंग-ची 2 में इनकी पॉस के साथ साथ इनके ओरिजिन को लेकर जो मिस्ट्री है वो भी सॉल्व की जाएगी। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वेपन ज्यूसेस थंडरबोल्ट। ज्यूस एमसीयू का प्रेजेंट का मोस्ट पावरफुल गॉड है जहां वो ओमनीपोटेंट सिटी और काउंसिल ऑफ गॉड्स का लीडर और किंग था। थॉर खुद पहले ज्यूस की तारीफ करते नहीं थकता था जहां ज्यूस उसका चाइल्डहुड हीरो था और उसके साथ साथ वो ज्यूस के थंडरबोल्ट का भी बहुत बड़ा फैन था। बट एज वी ऑल नो ज्यूस कैसा कैरेक्टर था बट उसका वेपन उतना ही इंप्रेसिव था। थंडरबोल्ट से ज्यूस बड़े बड़े लाइटिंग ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता था और ज्यूस इस वेपन को अपने एनिमीज पे फेंक कर इसे वापस अपने पास भी बुला सकता था जहां उसने कॉर की बॉडी को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर दिया था। वॉल्क्री और थॉर ने इस वेपन का यूज करके गौर को टक्कर दी थी और थॉर ने थंडरबोल्ट की पावर्स को यूज करके ही अपनी पावर्स को शेयर किया था बच्चों के साथ मूवी के एंड में। और नेक्रो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने में भी थंडरबोल्ट का मेन रोल रहा था उसे वीक करने में। थंडरबोल्ट के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है और इस वेपन के तुम 2 पीसेस करके इसे सेपरेटली भी यूज कर सकते हो। अब टॉप 3 पे आने से पहले मैं बता दूं कि हमने इस लिस्ट में बुक ऑफ विशांति और डार्क होल्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि इन दोनों बुक्स की पावर्स हमें दिखाई ही नहीं गई सही से एमसीयू में। बुक ऑफ विशांति को इतना पावरफुल बताया गया बट स्कारलेट विच वाज इजीली एबल टू डिस्ट्रॉय इट और सेम केस डार्क होल्ड के साथ। सो इसलिए मैंने ये वेपन्स या बुक्स इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए है। सो फाइनली आ गए हैं हम टॉप 3 पे। तो नंबर 3 पे है हमारे पास स्टॉर्मब्रेकर। तो स्टॉर्मब्रेकर को कौन नहीं पहचानता, इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग ने इस वेपन को फैन फेवरेट बना दिया था। स्टॉर्मब्रेकर एस्कार्ड के किंग का वेपन है जिसे ओडिन ने थॉर के लिए रखा था जब वो किंग बनेगा। बट एज वी नो हाउ दैट टर्नड आउट, सो जब इन्फिनिटी वॉर में थॉर थानोस क्लिंग वेपन ढूंढने निकला निविडलियर जाता है तो एत्री उसे स्टॉर्मब्रेकर देता है। इस वेपन के पास म्योलनिर की सारी पावर्स थी बट उसके साथ साथ इसके पास बाइफ्रॉस्ट समन करने की भी पावर है जिसे थॉर लव एंड थंडर में ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। इस वेपन से थॉर आउटराइडर आर्मी के पूरे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था और यहाँ तक कि थानोस तक को इंजर्ड कर पाया था। बीइंग अ गॉड वेपन स्टॉर्मब्रेकर को अब गौर की बेटी लव यूज कर रही है जिसे की इटर्निटी ने जन्मा था। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास नेक्रो स्वॉर्ड। यस, नेक्रो स्वॉर्ड वाज शोन टू बी मोर पावरफुल देन स्टॉर्मब्रेकर। वो कैसे वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्रो स्वॉर्ड गॉड किलिंग वेपन है जिसे किसी भी गॉड को मारा जा सकता है और यहाँ तक कि ज़ूस जैसा स्काई फादर भी इस वेपन से डरता था। अब नेक्रो स्वॉर्ड को कोई भी ऐरा गैरा यूज नहीं कर सकता था जैसा उसने गौर को किया था और उसकी वीकनेस है कह सकते हो इमोशनल लायबिलिटी का फायदा उठा के उसे अपने मकसद के लिए यूज किया। नेक्रो स्वॉर्ड अपने यूज करने वाले को सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स तो देती है और इसके साथ साथ गौर नेक्रो स्वॉर्ड से शैडो मॉन्स्टर्स को भी क्रिएट कर सकता था और नेक्रो स्वॉर्ड स्टॉर्मब्रेकर तक कोर पावर कर पाई थी। अब आप बोलोगे कैसे, तो थॉर लव एंड थंडर के एंड में हम देखते हैं कि गौर स्टॉर्मब्रेकर को थॉर से ले लेता है पर इटर्निटी का दरवाजा खोलने के लिए उसे बाइफ्रॉस्ट की पावर चाहिए थी और गौर नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके स्टॉर्मब्रेकर कोर पावर करके उसकी बाइफ्रॉस्ट पावर को यूज करता है। इसके अलावा फाइट में भी नेक्रो स्वॉर्ड प्रूव टू बी सुपीरियर टू स्टॉर्मब्रेकर और यस पावर्स में भी नेक्रो स्वॉर्ड वास्ट रेंज ऑफ पावर्स प्रोवाइड करती
देती है अपने यूजर को, जैसे कि गौर नेक्रो स्वॉर्ड से खुद को हील, इंस्टेंट रिजनरेट कर सकता है, किसी भी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है, शैडो मॉन्स्टर्स या बर्सर्कर्स की पूरी आर्मी बना सकता है। और इस वेपन से गौर जैसा नॉर्मल बंदा थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स को मार पाया था, उनमें से मेजोरिटी ऑफ स्क्रीन थे, बट अगर आप गार्डियंस के शिप पे आए डिस्टर्स सिग्नल को अच्छे से चेक करोगे तो 1531 डिस्टर्स सिग्नल्स आ रही थी जहाँ पे गौर ने अटैक किया था। सो फाइनली नंबर वन पे है हमारे पास द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स। यस, टीवीए के इंट्रोडक्शन के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स का आतंक खत्म हो गया, बट स्टिल इन्फिनिटी स्टोन्स आर द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन एमसीयू विदाउट एनी डाउट। पहला टीवीए वाला कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। टीवीए यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, कैसी जगह जहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट ही नहीं, और ही हू रिमेंस यहाँ से ही टाइम लाइन को प्रोटेक्ट किया करता था। बट एक्चुअली ये जगह जब किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स काम ही नहीं कर पा रही थी। पर मेन एमसीयू यूनिवर्स और व्हाट इफ के यूनिवर्सेस में हमने देखा कि कैसे थानोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू द यूनिवर्सेस। इन्फिनिटी स्टोन्स से तुम लिटरली टाइम, स्पेस, रियलिटी, सोल, माइंड और पावर को मैनिपुलेट करके लिटरली कुछ भी कर सकते हो। इन्फिनिटी गॉन्टलेट तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती है, और लिटरली तुम्हें ना ही ओमनीपोटेंट और ना ही ओमनीशिएंट बना देती है। और एमसीयू में अभी तक कोई भी दिखाया गया वेपन इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स की बराबरी नहीं कर पाया है। सो ये तो था हमारा लिस्ट। अगर आपको लगता है हमसे कोई वेपन मिस हो गया या आप हमारी रैंकिंग से एग्री नहीं करते, तो अपनी रैंकिंग हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और आपका फेवरेट वेपन कौन है पूरे एमसीयू में, जल्दी से कमेंट कर देना। डीसीईयू के वेपन्स पे भी हम जल्दी से एक वीडियो बनाने वाले हैं, बट ब्लैक एडम मूवी के बाद। टिल देन इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज इन एमसीयू पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that